बरेली जिले में फार्मासिस्ट डे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त फार्मासिस्टों के अलावा अन्य जिलों में कार्यरत फार्मासिस्ट व संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यहां पर फार्मेसी के बारे में चर्चा करते हुए पुराने अनुभवों से सीख लेने के साथ ही नई जानकारियां भी एक दूसरे के साथ साझा की गई। इस मौके पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जनार्दन सिंह गंगवार ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए फार्मासिस्टों की वर्तमान हालात का जिक्र किया। आज हम लोग यहाँ पर अपने जनपद के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ में, जनपद के समस्त सेवानिवृत्त साथियों के साथ में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज हम लोग जिला अस्पताल के हार्डवार्ड में 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन कर रहे हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन करने के पीछे हम लोगों की एक मंशा रहती है कि फार्मेसी का स्कोप, फार्मेसी के बारे में विस्तृत जानकारी, फार्मेसी का इतिहास हमारे साथी, हमारे नवांतुक साथी लोग जानें और हमारे देश में जो फार्मासिस्टों की या फार्मेसी समाज की स्थिति आज भी दयनीय है, उस विषय में सरकार थोड़ा सा हम लोगों तरफ ध्यान आकर्षण करे और हम लोगों के बारे में सोचे। जय हिंद। वहीं इस दौरान चीफ फार्मासिस्ट संजीव कुमार सक्सेना ने फार्मासिस्ट डे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि फार्मासिस्ट डे मनाने का उद्देश्य पुराने व नए आविष्कार एक दूसरे के साथ साझा करना है। ये आज हमारा वर्ल्ड फार्मेसी डे है, वो मनाया जा रहा है, इसलिए इसके उपलक्ष्य में सभी अपने साथियों को, सभी भाइयों को बधाई देता हूँ, कोटि से बधाई। बधाई तो आप दे रहे हैं, इसका क्या महत्व, आप कोई नई चीज कर रहे हैं इसमें, क्या अपनी कोई बात उठाएंगे? नहीं, अपनी बात तो सभी साथी लोग जैसा बताएंगे वैसा होगा, और इसमें यह है कि कोई जो पुरानी जानकारी है जो है शेयर की जाएंगी और कुछ नए इन्वेस्टमेंट जो होते रहते हैं हम लोगों में वो बताए जाएंगे, ये है उसके बारे में है। कार्यक्रम में पहुंचे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार सक्सेना ने भी फार्मासिस्ट डे मनाने के उद्देश्यों का जिक्र किया। ये आज हमारा फार्मासिस्ट डे है, इसको हम आज मना रहे हैं जिससे हम ये लोगों को बता सके कि फार्मेसी का क्या महत्व है, फार्मासिस्ट का क्या महत्व है, जनता जान सके और हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और हम जनता की और ज्यादा मनोयोग से सेवा कर सके। वहीं मानसिक अस्पताल में फार्मासिस्ट का पद संभाल रहे कृष्ण मुरारी ने कहा कि इस दिवस को मनाने के पीछे जिम्मेदारी को सेवा भाव के साथ निर्वहन करना है। ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस हम जब भी यहाँ मनाते हैं तो एक मन में सोच लेकर के मनाते हैं कि हम कैसे इस पेशे को इम्प्रूव करें और पब्लिक के लिए जो आम रोगी आते हैं, जनमानस जो आम आते हैं, उनको किस प्रकार से अच्छे व्यवहार से अच्छे से अच्छी अपनी सुविधाएं दे करके जो हमारे पास देने के लिए उनके लिए हैं, अपना जो कुछ भी फार्मासिस्ट कर सकता है उनके लिए, दवाओं से लेकर के अन्य जो भी हमें ड्यूटीज़ मिलती हैं उनको बेहतर तरीके से उन तक कैसे पहुंचा सकें और अच्छे से अच्छा पहुंचा सके उत्तरोत्तर वर्षों में, बस यही बैठ करके हम डिस्कशन करते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।